वहाँ घाटी तो 50,000 दिया हाँ। 50 आदमी के सामने का दिया, 2% हम देंगे मूवी का हाँ। उसके बाद मूवी चला और कहाँ पता नहीं, हम कहाँ गरीब खोजने चलेंगे शहर बाजार में, बोलिए सब लूटबे किया सब लोग, धोखा दे कर चला गया। उसके बाद कभी कोई झांकने नहीं आया कुछ नहीं। अब दिखाया कि पहाड़ पर चढ़ते समय जो है अम्मा आपकी गिर गई और उसको देहांत हो गया, ये सब नहीं नहीं नहीं, यो गलत है, गलत है। इसमें क्या सही है? मैंने चोट पैर में लग गया, मरा तो नहीं है। तो घर वर देखे हैं आपका, ये तो अभी कच्चे रह गया ये। सरकार की मर्जी है क्या सरकार की मर्जी, सरकार जो है, सरकार रहता तो उसका कलमिया लिख देता से बन जाता, बन जाता। गोड़ से विकलांग है आपको भी करेंगे हाँ। पहले के जमाने था तब ओझा बीड़ा सब ढोवाली, अब तो चले सके ही नहीं, तब कब जी कर सके बोलिए। नीतीश कुमार तो इतना हाईलाइट कर दिया, ये सोचा नहीं कि इसका परिजन किस तरह से रहा है। कम से कम 10,000 के मथली देता हूँ वहाँ पर, यह स्मारक पर दिन भर बैठे रहते हैं। इस समय हम हैं बिहार के गया में और ये गया की गहलोर घाटी है। पीछे जो आप ये पहाड़ देख रहे हैं, बीच में से एक रास्ता देख रहे हैं, यह दशरथ मांझी पथ है। आपने कहानियों में पढ़ा होगा, फिल्मों में देखा होगा दशरथ मांझी के बारे में, जिन्होंने इस पहाड़ को काट कर यहाँ से रास्ता बना दिया। पूरे विश्व में उनकी जाबाजी के चर्चे होते हैं कि एक व्यक्ति ने कैसे छीनी और हथौड़ी के दम पर इस विशाल पहाड़ का सीना चीर कर अपने आप को साबित किया और यहाँ के लोगों के लिए एक रास्ता दिया, जिससे यहाँ से पीछे जो वजीरगंज है उससे इस गहलोर गांव को जोड़ा जा सके। आप पीछे देख सकते हैं ये सड़क है, इसे बाद में सरकार ने बनाया, लेकिन ये सड़क पहले इस अवस्था में नहीं थी। पहले ये भी पहाड़ का हिस्सा ही था, ये पूरा पहाड़ जैसे इधर पहाड़ इधर पहाड़ है। और ये वो सड़क है जहाँ, मतलब ये जो जगह है, इसे दशरथ मांझी ने अपने हाथों से छीनी और हथौड़ी से 22 साल लगाकर काट कर एक रास्ता बनाया। कहा जाता है कि उनको अपनी पत्नी फगुनिया से बहुत प्रेम था और उनकी पत्नी जब एक बार पानी लेकर, चूंकि दशरथ जो है मजदूरी करते थे उस पार, मजदूरी कर रहे थे, तो उनकी पत्नी फगुनिया जो है पानी लेकर जा रही थी और वो गिर गई। तब उन्होंने प्रण लिया कि इस पहाड़ का वो सीना चीरेंगे और भविष्य में किसी को इस तरह की परेशानी ना हो, इसलिए इसको यहाँ से रास्ता बनाएंगे। सरकार ने बाद में इनकी इस मुहिम का समर्थन किया, यहाँ पर सड़क बनी और सरकार ने बाद में यहाँ पर उनके याद में एक अस्पताल बनवाया, स्मारक बनवाया, तमाम सुविधाएं दी। लेकिन उनका परिवार आज किस हाल में है वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ उनके बेटे हैं। बाबा कैसी तबीयत है अब? तबीयत हमको ना ठीक रहता है, कभी कभी गड़बड़ रहता है, कभी कभी गड़बड़ रहता है हाँ? बाबा लेकिन हम आए हैं तो घर वर देखे हैं आपका, ये तो अभी कच्चे रह गया ये। सरकार की मर्जी है क्या? सरकार की मर्जी, सरकार जो है, सरकार रहता तो उसका कलमिया लिख देता से वो बन जाता, बन जाता। तो इतना देश दुनिया में नाम हुआ लेकिन घर तक नहीं बना, आज तक नहीं बना, नहीं बना आज तक, कच्ची घर रह गया। अच्छा बाबा, जब आप छोटे थे, जब बाबा दशरथ बाबा पहाड़ काट रहे होंगे, तो आप जाते थे पानी में लेकर, देखते थे उनको? छोटा कैसे, हम काम करेंगे। अच्छा, उनके साथ आप भी किए हैं? हाँ, काम कर रहे। अच्छा, 10 साल के लिए तो काम कर रहे वो लड़का, वैसे बड़ा हाली से आना। अच्छा, तो काटते थे तो आप लगता नहीं थे ये क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं काम, मजदूरी उजूरी करते, कुछ खाए पिया, ये पहाड़ वहाड़ काट रहे हैं, ये सब नहीं सोचते थे? दिन भर हर जोतते थे। अच्छा, साँझ बेरा आके पहाड़ियों में लग जाते। अच्छा, अपना काम भी करते थे? हाँ, अब भोरे जाके लगल रहते हैं। अब भोरे वो जो घरे खाना उना बन गया, मुँह धो के हर जोते चल गया बाहर, किसान की यहाँ। हाँ, तो पेट कैसे चलेगा, हम लोग बड़ा आदमी है, हम लोग के खेती बाड़ी कुछ नहीं है, तो कमाते खाते हैं। तो अब क्या करते हैं? अब तो कुछ नहीं, अब तो तबीयतें खराब रह रही है तो कुछ करने की स्थिति में तो है नहीं। अब गोड़ से विकलांग है आपको भी करेंगे हाँ। पहले के जमाने था तब ओझा बीड़ा सब ढोवाली, अब तो चले सके ही नहीं, तब कब जी कर सके बोलिए।
नीतीश कुमार तो इतना हाईलाइट कर दिया, ये सोचा नहीं कि इसका परिजन किस तरह से रहा है। कम से कम 10,000 के मंथली देता हूँ, वहाँ पर स्मारक पर दिन भर बैठे रहते हैं, कुछ नहीं। लेकिन नहीं, अच्छा कोई पेंशन उसे नहीं मिलती, कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिला पहले या फिर इन्हें बीच में गड़बड़ा गया कागजे बने थे। तो आप सुने थे आपके घर और भी आए थे मुख्यमंत्री जब बने थे, तो एक दिन के लिए कुछ महीने के लिए बने थे मुख्यमंत्री, तो आपके घर भी आए थे दशरथ मांझी, जीतन रमा जी, तब उन्हें मानी तो आते जाते रहता है, उन्हें कुछ किए देखा नहीं, लेकिन कुछ नहीं किए वो भी, तो करता तो ऐसे नहीं रहता। हाँ, तो किससे शिकायत है आपकी, मान ली कोई कुछ देख ही नहीं रहा है। देखिए जो हमारे पिताजी मांग किया उन्हें नीतीश कुमार ने पूरा किया, ये तो सोचा नहीं कि ये तो मांग किया अपना स्वार्थ लिए कि एक बेटा लिए क्या मांगेंगे, सबसे बिहार में बेटे तो नीतीश कुमार के सोचना चाहता इसका लड़का बाला बाल बच्चा है तो कैसे गुजारा चलेगा, वो तो कम से कम अपना तबीयत से 10,000-5,000 के चाहे हमारे बेटी दामाद पढ़ा लिखा है कहीं टीचर दे देता कहीं नौकरी दे देता है, कुछ नहीं, नहीं कुछ मतलब आप विकलांग भी हैं तो वो भी तो सरकार को समर्थन करना चाहिए, कुछ नहीं किया। विकलांग है अभी तो नीतीश कुमार से भेंट करे गया, भेंटे न हुआ, हम कहती है कि हम गोड़ से चाह रहे हम कौन रोजगार करके खाएंगे, कुछ सोचा जाए हमारे बारे में, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई, मुलाकात नहीं हुआ, बोलती है नहीं नीतीश कुमार से बोलबे करेगी बैठबे करेगी। अच्छा बाबा एक फिल्म भी बनी थी पहले, आप फिल्म वाले आए रहे होंगे शूटिंग वूटिंग करने यहाँ, एक महीना रहा तो फिल्म वाले भी कुछ कहे थे क्या देने उन्हें को रॉयल्टी वॉयल्टी कुछ देने को, कहानी वहीं बन रहा था तो वो भी सब वादा वादा कुछ किए थे, वादा किया तो दिया ना वो भी नहीं दिया, वो क्या वादा किए थे वहाँ घाटी तर 50,000 दिया, हाँ 50 आदमी के सामने का दिया 2% हम देंगे मूवी का, हाँ उसके बाद मूवी चला अब कहाँ पता नहीं हम कहाँ गरीब खोजने चलेंगे शहर बाजार में बोलिए, सब लूटबे किया सब लोग धोखा देकर चला गया, उसके बाद कभी कोई झांकने नहीं आया कुछ नहीं। अब फिल्मों में जो दिखाया सब सही दिखाया उसमें भी ना, ना, गलत है, क्या गलत दिखाया उसमें बाबा, गलत हमारे शादी बोलते नहीं हुआ, हमने तो 2 भाई बहन जलम्बे किया है तो कहा कि वो गर्भवती मर गया, गर्भवती मर कुछ नहीं, शादी गोल्टे नहीं हुआ, अंगूठा काट लिया सांप काट लिया, हमारे परिवार के कोई के नहीं सांप काटा है आज तक नहीं, ना ये गलत तलत है बहुत गलत है। अब गुस्सा आया होगा देखे होंगे तो ये फर्जी दिखा दिया कुल का, हाँ फर्जी देखे किया झूठा काहे का दिया कि अंगूठा काट लिया बोलिए, वो कुछ नहीं, अब दिखाया कि पहाड़ पर चढ़ते समय जो है अम्मा आपकी गिर गई और उसको देहांत हो गया, ये सब नहीं 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 यो गलत है, गलत है, इसमें क्या सही है, मैंने चोट पैर में लग गया, मरा तो नहीं, मरा 2-4 साल के बाद ना, टाइफाइड बीमारी उसका हो गया मर गया, और डॉक्टर वैद्य है ही ना, कहाँ दिखाएंगे, और गाय ले जाके 4,000 पैसा रहेगा तब न ले जाएंगे, और गाड़ी मोटर है ना कैसे ले जाएंगे, बोलिए न रोड है न जाने की व्यवस्था है, अब न हो गया पक्की रोड, पहले रोड तो कुछ ही सब जंगल है तो जाइए खटोली करके उजीरगंज बाजार, तो वहाँ खोखा बाबू डॉक्टर है, ओके। अच्छा मिलने लोग आते हैं आपसे, बहुत लोग आते होंगे मिलने, जैसे हम आए हैं मिलने, ऐसे बहुत लोग आते होंगे मिलने आपसे, मिलने आते हैं रोज आता 1,000 आदमी मिले, हम कहाँ स्मारक के पर्सन आ रहे हैं, रोज 1,000 आदमी रोज मिलता, सम्मान तो मिलता है, सम्मान मिलता है, जिसका मर्जी है तो 10-20 वह देता है, और कहा हर 11 का पूजा वहाँ होता है तो वह जमा करते हैं 100-200 रुपया 400 तो पूजा में लगा देते हैं, हर 11 को यह तो पुण्य है, हर अभी 11 तारीख आएगा साधु संत उसको खाना खुराक देना चाहिए, बर विदागी देना चाहिए, भाड़ा तो देना जरूरी ना है, दूर दरार से आता है कि नहीं। चलिए बाबा उम्मीद है सरकार अब कुछ कराएगी, कभी अगर दिमाग जागे सरकार का तो कुछ उद्धार करे आपका, ना ना सरकार के कहने वाला कोई नहीं ऐसा है कि का किया, हाईलाइट कर दिया दशरथ मांझी को, उसका परिजन के का किया, परिजन तो ऐसे भूखे बेचारा है,
तब जवाब उसका नीतीश को मिलता, पेपर में दे देता उसे, पेपर में छप जाता तो शायद नीतीश कुमार जी की बुद्धि खुल जाती और दशरथ मांझी जी का परिवार जो है आज भूखे मर रहा है, भूखे नहीं मरता। हाईलाइट इतना कर दिया, उसका बाल बच्चा खाने बगैर छोड़ दिया, सही तरस रहा, गोड़ से भी गलग है, कौन रोजगार करेगा, मिलीवन के लिए हम नीतीश कुमार ने हम कहती है देखिए हमको गोड़ है का कर, कौन काम करके का कर कर न घर बनाया न कोई बाल बच्चा का सर्विस दिया कोई कोई नौकरी तो का किया, हमारे बाबूजी के कहिए हाईलाइट कर दिया कि इतना हम कर दिया, वो मस्जिदिया बना दिया तो जो बैठे रहेंगे पेटो भर जाएगा हमको, देखे से उसे कुछ नहीं होगा, देखे से हो जाएगा, हम मैं जन मारवा हमारे को नहीं मिलता।